का चल रहा है यहाँ पर लंच, और लंच में ये खा रही हैं। हाँ। सूरज का कौन सा कलर होता है? येलो। हाँ सर, गाइस अब हम लंच कर लेते हैं, तो गाइस अब के बाद आज हम चलेंगे पार्क। वहाँ पे देखिए मिश्का ना खुद टीका लगा के आई और खुद अपना हेयर स्टाइल बना के आई। और देखिए गाइस आज व्लॉग की ना स्टार्टिंग बहुत लेट कर रही हूँ मैं, बिकॉज रीजन यही था कि काम बड़ा सरप्राइज देने वाली है आप लोगों को और दिखाने वाली आई है मिश्का की। और ये कौन सी है? क्रिस्पेलो डेरी मिल्क। हम लोग आ चुके हैं घर पे और ये देखिए यहाँ पे मॉर्निंग एंड वेलकम बैक विद आवर न्यू व्लॉग। कैसे आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर वेल, फिट एंड फाइन। सो गाइज मॉर्निंग हो गई है, व्लॉग की भी स्टार्टिंग हो गई है, डे की भी स्टार्टिंग हो गई है और मेरा यहाँ पे ऑल काम डन हो गया है। आज इतना सारा काम था, इतने सारे कपड़े हो रखे थे, बिकॉज यू नो सर्दियों में ना इतने कपड़े हो जाते हैं, दो दो तीन तीन पेयर पहनते हैं, अंदर इनर पहनते हैं, फिर हाई नेक पहनते हैं, फिर ऊपर से वॉर्म पहनते हैं, तो बच्चों के इतने कपड़े हो जाते हैं, फिर खुद के कपड़े, बहुत सारे कपड़े थे, तो मतलब ये दो दिन के कपड़े मेरे इकट्ठे हो गए। और गाइज यहाँ पे देखिए मिश्का ना खुद टीका लगा के आई और खुद अपना हेयर स्टाइल बना के आई और देखिए कितनी क्यूट लग रही है। मम्मी ने लगाया पहले टीका मैंने लगाया, फिर ये अपना खुद लगाती है, मेरे भी खुद लगाती है और देखिए मेरे भी कितना बड़ा टीका लगा दिया है इसने। नन्ना का है ये, बहुत बड़ा है। नन्ना सा ही है, नन्ना सा है। और गाइज अच्छा मिशो आप क्या करने वाले हो आज? सो गाइज मिश्का और तनिष्का ना स्कूल से लेकर आ गई हूँ मैं और इन दोनों ने लंच वगैरह भी कर लिया। दीदी तो पार्क में गई और मैं तो घर तक अकेले हूं, तो ऐसे कहना चाहिए ऐसे कहना। गाइस आज व्लॉग की ना स्टार्टिंग बहुत लेट कर रही हूँ मैं, बिकॉज रीजन यही था कि काम था और तनिष्का मिश्का को भी आके फिर जल्दी जल्दी शावर दिया, खाना दिया, तो उसमें टाइम लग गया। सो अब मैं जा रही हूँ अपने लिए मैं चाय बनाने के लिए, बिकॉज शाम हो गई है और शाम को आज हम लोग व्लॉग की स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो मैं जल्दी से अपनी चाय बनाकर पी लेती हूँ। और मेरे भाई का वीडियो कॉल भी आया हुआ है, बिकॉज वो नैनीताल गया हुआ था घूमने के लिए, वो वहाँ से आया है, तो जब तक वो पिक्स नहीं दिखा लेगा, पूरी बात नहीं कर लेगा, उसको चैन नहीं आएगा, तो मैं भाई से बात कर लेती हूँ। तब तक आप देखिए तनिष्का मिश्का ने शावर लेने के बाद लंच करते करते क्या गपशप की है और क्या चिटचैट कर रही है, तो आप देखिए, फिर मिलती हूँ मैं आपसे ब्रेक के बाद। यहाँ पे ये दोनों शावर लेकर रेडी हो गई हैं स्कूल से आने के बाद और दोनों का चल रहा है यहाँ पर लंच, और लंच में ये खा रही हैं, क्या खा रहे हो? पराठा और सब्जी। ग्रीन वेजिटेबल्स भी खाने चाहिए ना, है ना मिशु? और सब्जी कैसी बनी है? बहुत अच्छी, बहुत टेस्टी बनी थी। टेस्टी बनी है मिश ताशु? नाइस ना, आज तनिष का लंच में भी यही लगी थी, अच्छा लगा, लंच फिनिश किया, ठीक है, तो चलो जल्दी जल्दी। हाँ गाइज इसके इसकी इसकी बातें खत्म नहीं होती है। ठीक है, तो चलो आप पहले लंच कर लो, फिर मैं कर लूंगी। और गाइज मिश्का ने ना यहाँ पे एक दो ना नई चीजें सीखी हैं आज स्कूल में। मिशु सूरज का कौन सा कलर होता है? येलो। हाँ सन इज येलो कलर। अच्छा, और हमारे राष्ट्रीय ध्वज में कितने कलर्स होते हैं? ऑरेंज, व्हाइट और ग्रीन और उसका चक्र डब्लू कलर। वेरी गुड। हाँ चलो अब ज्यादा बोलते नहीं है खाते टाइम, और डोंट यूज फोन तनिष्का, डोंट टच द फोन, स्क्रीन ऑफ करो उसकी। चलो वाई नो, जल्दी से एक प्लेट में एक दाना भी नहीं रहना चाहिए, पूरी प्लेट साफ होनी चाहिए। ओके गर्ल्स, और मैं जल्दी से अपना जो रेस्ट काम है वो फिनिश कर लेती हूँ, फिर उसके बाद आज हम चलेंगे पार्क में।
बिना हमारी तनिष्का ना इतने दिनों के बाद ना कहाँ से जाके आई है मिशु, कहाँ से जाके आई दीदी? पार्क से। पार्क से? और पार्क से जाके आई है, मिशका नहीं गई थी, मिशका मेरे ही पास थी और मिशका ना मेरी हेल्प करा रही थी कामों में, मम्मा मैं आपका ये कर दूं, मम्मा मैं आपका वो कर दूं, और अब बैठ के बिस्किट खा रही है, दो काजू कतली खाने के बाद अभी बिस्किट खा रही है। नो यू डोंट टच, ओनली ईट, डोंट टच विदाउट ईटिंग, यू हाउ कैन यू। मिशका अपने डांस की प्रैक्टिस कर रही है और देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, सीधे होके वेरी नाइस। यहाँ चल रही है मेरे डिनर की प्रिपरेशन, मैंने ना गोभी को काट लिया है, गोभी के साथ ना ये डंठल भी छोटे छोटे पीसेस मैंने 4 पीस कर लिए हैं, तो सब्जी के साथ इन्हें भी बनाऊंगी और ये मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, और ये 4 आलू इनफ है इतनी गोभी के लिए, बाकी गोभी ना मैंने सुबह नाश्ते में पराठे बन जाएंगे गोभी के, सो मैंने बचा कर रख दी है, ये सुबह पराठों के काम आ जाएगी। तो गाइस जल्दी से डिनर की प्रिपरेशन करते हैं, और डिनर में है आलू गोभी और फुलके। बहुत दिनों के बाद पार्क से खेल के आ गई हूँ और मैं बहुत थक गई हूँ और बज गए हैं 7:00 PM। और एक तुम मेरे से पजल भी पूछ रही थी ना, क्या पूछ रही थी वो अपने गाइस से पूछ जरा। कौन सी? क्या पूछ रही थी पता नहीं, क्या था वो भूल गई मैं, काम कर रही थी। और गाइज आज ना मिस तनिष्का ना बहुत सैड हो रही है क्योंकि इसकी जो यूट्यूबर है ना फेमस यूट्यूबर प्रगति वर्मा, वो ना बहुत थोड़ा बीमार चल रही है तो उनके व्लॉग नहीं आ रहे हैं, तो आज तनिष्का ने मुझे भी दिखाया कि वो थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा मतलब हॉस्पिटलाइज है, तो देख देख के ना इसको थोड़ा सा वो हो रहा है कि हाय मैं उनके व्लॉग नहीं आ रहे। एक तनिष्का कह रही बहुत दिन से ना प्रगति वर्मा के व्लॉग नहीं आ रहे। फिर आज हम लोगों ने एक स्टेटस देखा, उस पर उन्होंने डाला हुआ है कि वो हॉस्पिटलाइज है, सो गेट वेल सून कहते हैं प्रगति वर्मा को, जल्दी अच्छी हो जाओ और अच्छे अच्छे व्लॉग डालो ताकि हमारे बच्चे देखें और आप भी हमारा देखो व्लॉग। और गाइस मैं पहले चाय बना के पी लेती हूँ बिकॉज मुझे ना चाय की बहुत ज़्यादा तलब लग रही है, और मैं चाय पीने के बाद मैं फिर आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ, और इन्हें इंजॉय करने देती हूँ काजू कतली, इनकी इतनी फेवरेट हो गई है कि इन्होंने एक हफ्ता देखो 5 डेज के अंदर गाइस इन्होंने पूरा डब्बा ख़त्म कर दिया है। एक दिन में हम 6 खाते हैं। पता नहीं कितनी खा जाती हो, अनगिनत खाती हो डब्बे मान के। और आज मैंने डिनर में बनाई है आलू और गोभी की टेस्टी टेस्टी सब्जी जो बहुत ही अच्छी लग रही है, और मेरे को बहुत ज़ोरों से भूख भी लग रही है, बट मैंने अभी चाय चढ़ा दी है, मेरी चाय बनने वाली है तो मैं पहले चाय पीऊँगी, चाय पीने के बाद गाइज मैं डिनर करूँगी। और यहाँ पे रखी हुई है सेवई क्योंकि तनिष्का मिष्का को ना सेवई खानी थी तो मैंने उनके लिए सेवई बनाई थी, वो दोनों ने खा ली है, ये मेरी यहाँ रखी हुई है, और मैंने अपने लिए ना थोड़ी सी गाइस आलू की ना चिप्स भी बनाई है, तो वो मैं चाय के साथ स्नैक्स खाने वाली हूँ आज, तो पहले ही चाय पी लेते हैं। गाइस इन दोनों के स्टाइल देख लीजिए, इधर ये सेवई इंजॉय कर रही है, सेवई इंजॉय कर रही है, और देखिए दोनों ने ना फोन कैसे अपने स्टैंड पे पिलो पे लगाए हुए हैं दोनों ने, ये स्टाइल है तुम दोनों का। मेरी सीट खाली करो, मैं चाय लेके आ रही हूँ, चलो उधर हो जाओ। हाँ तो मैं अभी भी बैठूंगी, अभी बैठूंगी, डोंट फाइट विद मी ओके, यू आप उधर बैठो, आपकी जगह सोने की वो मैं आपकी मम्मा, अच्छी वाली मम्मा नहीं हूँ फिर तो मम्मा का कहना नहीं मानोगे। कैसी बनी? अच्छा मतलब फीडबैक बताओ, सेवई कैसी बनी? वेरी वेरी टेस्टी। मिशु कैसी बनी? वेरी टेस्टी। तू तो है ही कॉपीकैट, हमेशा कॉपी करती है। चलो यहाँ पे ना तनिष्का मिष्का ना बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाली है आप लोगों को और दिखाने वाली है कुछ, ये देखिए आगे, ये देखिए, और गाइस इनके हाथ में देखिए, आज इनको चॉकलेट की पूरी दुकान मिल चुकी है, और मैं आपको ना ये टेबल पे रख के दिखाती हूँ, इतनी सारी चॉकलेट मिल गई है इनको, और आज ही इन्होंने इंस्टेंट चॉकलेट मंगाई है, आजकल इंस्टेंट का जमाना हो गया ना, सब कुछ अर्जेंट चाहिए और एट अ टाइम चाहिए है।
ये देखिए तनिष्का की ये चॉकलेट्स हैं, इसने ये शेप बनाई है, और मिश्का तो है ही सेम टू सेम करने वाली कॉपी कैट तो मिश्का ने ये बनाया। हाँ, इसने बॉक्स बनाया है। तनिष्का ने ओवल शेप बनाई है, मिश्का ने स्क्वायर वाला बनाया है। ये किट कैट है मिश्का की, और ये कौन सी है, क्रिस्पेलो, डेरी मिल्क क्रिस्पेलो, क्रिस्पेलो हाँ वही वाली शेप। हैप्पी, कितना हैप्पी, 4, 9 चॉकलेट। ये कितने दिन चलेंगी ये बता दो मुझे, पूरा ये तो 1 डेज चलेगी। इसने 2 डेज बोला, उसने 1 डेज बोला। ऐसा करो, चलो अभी मैं तुम लोगों को ना एक टास्क देती हूँ, अभी खा के दिखाओ सारी चॉकलेट्स, खा के दिखाओ ना, हिम्मत है तो खा के दिखाओ। सो ये एक दिन में हाफ होगी, ठीक है, तो 4 है, 9 प्लस 9 कितने होते हैं बता, 18। यस, गुड। सो मिशु नाउ 20 20 20 400। क्या बोल रही है, कौन सा मैथ है आपका, मैथ है ये? ये इंग्लिश का मैथ है, इंग्लिश का मैथ है। गाइस, हम लोग आ चुके हैं घर पे, और ये देखिए यहाँ पे सारे बच्चे क्या एंजॉय कर रहे हैं। दिवाश दिखाओ आप क्या खा रहे हो, ये ना कैंडीज खा रहे हैं ये तीनों बच्चे। तीनों ही है।